तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको नाभिक पढ़ा रहा हूँ। नाभिक पर मैं आपको दो वीडियो जो प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये तीसरी वीडियो नाभिक की होगी। वो दोनों वीडियो ट्रिक एंड टिप्स फुल थी, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये वीडियो भी आपको ट्रिक एंड टिप्स फुल होगी, आपको यहीं पर सब कुछ याद हो जाएगा। बस आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना है और अंत तक सारी चीजें नोट डाउन करते रहना है, और आपको नोट डाउन जरूर करना है और उसे एक बार में पढ़ लेना है। और इसके बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समस्थानिक की परिभाषा क्या होती है, किसकी, समस्थानिक की। फिर हम जानेंगे संभारिक की, फिर हम जानेंगे समन्यूट्रानिक की। तो अब इनकी जो है दोस्तों, आपको इसी शब्द से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं, जैसे समस्थानिक। अब समस्थानिक से आपको क्या पता चल रहा है, अब समस्थानिक जो ऐसे तत्व होते हैं, सब तत्वों की बात करेगा, ऐसे तत्व होंगे, क्या होंगे, ऐसे समस्थानिक एक ऐसे तत्व होंगे जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। क्या होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मान लीजिए सेवन और एच चौदह कमा सेवन एच पंद्रह। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, अब इससे आप क्या देख रहे हैं, ये जो तत्व है हमारा, मैंने यहां से एच ना लेकर के एन ले ले रहा हूं। मान लो एन ले लिया, क्या ले लिया, एन ले लिया। तो आप क्या कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है आपके आपस में नीचे सेवन सेवन देख रहे हैं, ये सेवन और ये सेवन, ये आपस में बराबर है। ये जो नीचे की संख्या होती है इसको आप क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं आप, परमाणु क्रमांक। तो ये समान दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं, ये समान दिख रहे हैं। इसके बाद ये ऊपर के जो होते हैं, ये होते हैं परमाणु भार, क्या होते हैं, परमाणु भार। तो ये आप देख रहे हैं चौदह पंद्रह भिन्न है। तो अब जब भी आपसे कोई पूछ लेगा कि समस्थानिक क्या होते हैं, तो बस आपको ये याद होगा, तो आप बोल देंगे वह तत्व या ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, क्या, परमाणु क्रमांक समान, ये देख सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, समान, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्व तो समस्थानिक कहलाते हैं। ये दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रानिक। तो यहाँ पे इस पे कंफ्यूजन भी बच्चों को रहती है, तो मैं इस लास्ट तक इस कंफ्यूजन को आपके दिमाग से पूरी पूरी हटा दूंगा। तो आप एक बार पहले समझ लीजिए, जैसे मैंने कोई तत्व ले लिया सेवन एन चौदह और सेवन एन पंद्रह, तो अब नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु भार होता है। तो बस इतनी सी बात आपको पता हो गई। तो अब समस्थानिक, अब समस्थानिक, समस्थानिक मतलब इसके कहने का मीन से समान, और स्थानिक मतलब स्थानिक का मीन से आप क्रमांक मान लीजिए, क्या मान लीजिए, परमाणु क्रमांक मान लीजिए। तो जिसके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु अब जब परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो ऊपर वाले को तुरंत भिन्न कर दो, तो आप बोल देंगे ऐसे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इनकी डेफिनेशन आप नोट करते जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेन कॉपी लेकर ही मेरे वीडियो देखिए, अन्यथा आप मेरे वीडियो न देखिए और अंत तक देखिए, वरना मत देखिए। अब हम जानेंगे समभारिक। अब इससे तो आपको क्लियर पता चल रहा है, इससे इसके नाम से समभारिक मीन्स क्या है, जिसके भार समान हो, क्या हो, जिसके भार समान हो। समभारिक का मीन्स है ऐसे तत्व जिनके भार समान हो, तो और तो संभारिक कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। अब मान लीजिए मैं यहां पे ले लेता हूं कोई, मान लो अलग तत्व ले लेता हूं, मान लेता हूं ओ एट ओ, और यहाँ पे मैं सोलह ले लूं, मान लो एट ओ सोलह ले लिया यहाँ पे, फिर इसके बाद ले लूं एट ओ सत्रह ले लिया मैंने, क्या ले लिया, एट ओ सोलह और एट ओ सत्रह। तो अब यहां से आपको पता है संभारिक क्या क्या कह रहा है, सम भारिक। तो अब इससे आपको भारिक मीन्स भार, और भार मीन्स क्या होगा, परमाणु भार, और सम मीन्स समान। तो आप यहां से बोल देंगे ऐसे तत्व जिनके, अब आपको अगर ये भी नहीं याद ना, इस पर ये स्ट्रक्चर भी आपको नहीं याद ना, तो आप इन दोनों की डेफिनेशन इस समभारिक से बना सकते हैं, क्योंकि समभारिक में क्या होता है, समान भार। समभारिक का मतलब क्या है दोस्तों, यहां से बहुत अच्छे से समझिए यार, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समभारिक का मीन्स हो गया समान भार। अब समभारिक का उल्टा क्या होता है,
समस्थानिक। इतनी सी बात जान लीजिए। अब जब इसमें बोल देंगे ऐसे तत्व जिनके भार समान हो, यहां से कह देंगे जिनके परमाणु भार समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे तत्व संभारिक कहलाते हैं। तो अगर आप इस ये डेफिनेशन आप यहाँ से संभारिक के नाम से ही क्लियर कर लेते हैं तो समस्थानिक तो आपको फिर आ गई ना, क्योंकि इसका व्युत्क्रम होती है। तो आप इसमें संभारिक में अगर बोल दिए हैं कि भार बराबर होते हैं तो इसमें आप बोल देंगे परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। जैसे इसमें बोलेंगे कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार आपस में बराबर होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। तो इसका उल्टा इसमें बोल देंगे समस्थानिक मीन्स क्रमांक, इसमें बोल देंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा सम न्यूट्रॉनिक। अब इससे भी आपको पता चल रहा है कि ये भी आपका क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक कैसे होगा। सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन। तो आप बोल देंगे ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉन क्या हो, इसे अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे एग्जांपल वगैरह लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी मैं छोटी डेफिनेशन आपको बता देता हूं। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, क्या हो, ऐसे अब ये बताइए तत्व मीन्स मतलब ये तत्व में क्या होगा, भार होगा और क्रमांक होगा। तो अब ये सम न्यूट्रॉनिक, अब सम न्यूट्रॉनिक का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलेंगे तो किस पर मिलेंगे, तत्व पर मिलेंगे क्या, तत्व पर नहीं मिलेंगे, किस पर मिलेंगे, नाभिक पर मिलेंगे, किस पर मिलेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। अगर यहाँ पे परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की बात करता है तो बोलेंगे ऐसे तत्व, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करता है तो वो न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिलकर बनाती है, इसलिए हम क्या बोल देंगे सम न्यूट्रॉनिक को नाभिक पर जाना पड़ेगा, हमें किस पर जाना पड़ेगा, नाभिक पर जाना पड़ेगा। तो हम सम न्यूट्रॉनिक की परिभाषा बोल देंगे ऐसे नाभिक जिन पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या बोल देंगे, ऐसे नाभिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, बस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। संभारिक से आप याद कर लीजिए, संभारिक से आपको संभारिक की डेफिनेशन तो मैं कहता हूं जीवन भर नहीं भूल सकते, बस आप मेरे शब्दों को सुन लीजिए। सम मीन्स समान और भारिक मीन्स भार। तो इसे जीवन भर आप संभारिक, जैसे ही आपसे कोई बोल देगा तो आप इस संभारिक का मतलब समझेंगे समान भार, क्या समझेंगे समान भार। तो इसमें आप तुरंत बोलेंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार आपस में बराबर परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं संभारिक कहलाते हैं। अब जब संभारिक आपसे आपको ये डेफिनेशन पता है टिप्स से तो समस्थानिक की अगर नहीं समझ आ रही तो पलट दीजिए इसका, इस पर भार समान रहेगा तो इस पर क्रमांक समान रहेगा। तो आप बोल देंगे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में बराबर होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अब हमें सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉनों का निर्माण अब हमें कब होगा तो वो मैंने आपको बता दिया। तो अब नाभिक पर जाना पड़ेगा, तो बोल देंगे ऐसे नाभिक जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, इन तीनों को मैंने